झारखंड राज्य के पलामू जिला अंतर्गत सदर प्रखंड मेदिनीनगर के कोयल नदी ऑटो स्टैंड पर दो साल से कूड़ा कचरा गंदगी का ढेर का अंबर पड़ा हुआ है। इसे नगर परिषद के द्वारा सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ के स्टैंड के नाम पर प्रत्येक ड्राइवर से प्रत्येक वाहन से साल में 1500 रुपया लिए जाते हैं। इसके एवज में इनको गंदगी का इनाम दिया जा रहा है। गंदगी से न जाने कितने ड्राइवर लोग भी अपना गाड़ी बंद कर दिए और कितने कुछ बीमारियां बहुत तरह के हो गया है। इससे मलेरिया, हैजा, कलरा बहुत तरह की बीमारी है होने का संभावना है। डेली कमाने खाने वाले को यही परिस्थिति रहेगा। गाड़ी आना जाना भी बंद हो गया है, बहुत गाड़ी भी नहीं आ रही है। और ये कचरा को हम लोग हमेशा सभी आदमी पदाधिकारी के बात किए हैं तो बोलते हैं दो दिन में साफ हो जाएगा, चार दिन में साफ हो जाएगा, पर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि साफ नहीं हुआ। किसने कहा कि साफ होगा? बहुत से पदाधिकारीगण हैं, नगर पालिका के हैं, स्टाफ हैं, और नगर पालिका के स्टाफ जितने भी हैं वो तो बदमाशी कर ही रहे हैं कि गंदा रहते भर में भी गंदा गिराया जा रहा है, उसको साफ नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग गाड़ी घोड़ा बंद कर दें। ये दो साल से इतना कचरा गिरता है कि गंदगी का कहना नहीं है, और ये अभी महीना दिन से ऐसा गंदा गिर रहा है कि मतलब इससे दुर्गंध इतनी आती है कि बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं। गाड़ी में सवारी जो बैठता है उसको भी परेशान, गंदगी का सारा सहन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते मैं कह रहा हूँ कि ये साफ होना चाहिए। स्वस्थ भारत मेरा भारत है तो इसको साफ ठीक से होना चाहिए। इसके लिए आप लोग कभी आवाज़ उठाए थे? आवाज तो बहुत उठाए हैं पर इसका कोई सुनने वाला कोई नहीं है। प्रेस वाला भी आते हैं बोल के चल जाते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हम लोग एकजुट होकर एक धरना देना चाहते हैं और अपना अपना गाड़ी भी एक आध दो दिन बंद कर देना चाहते हैं। इसके लिए आप सभी हमें मदद करें और अपील करें नगर परिषद अध्यक्ष पूनम सिंह का मोबाइल नंबर पर 94311-93041 पर, ताकि यह गंदगी अविलंब साफ हो सके। मैं अनिल गुड़िया, पलामू, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।